सुस्वागतम, आप देख रहे हैं रेसिपीज विद विद्या यूट्यूब चैनल। आज हम देखने जा रहे हैं ब्रेड सैंडविच, यानी ब्रेड और आलू के साथ में यह रेसिपी बनाई जाती है। ब्रेड सैंडविच यह एक कम से कम वक्त में बनाई जाने वाली रेसिपी है। इसे ब्रेड सैंडविच, ब्रेड आलू के सैंडविच या आलू के सैंडविच भी कहा जाता है। यह एक गर्मा गर्म और स्पाइसी पदार्थ होता है, काफ़ी दिलचस्प और लुक से खाया जाता है। चलिए तो ब्रेड सैंडविच के लिए कौन कौन सी चीज़ें लगती हैं, कौन कौन से इंग्रेडिएंट या साहित्य लगता है वह हम देखते हैं। सबसे पहले हमें स्लाइसेस लगेंगी, ब्रेड की स्लाइस जो है फ्रेश होनी चाहिए वह हमें लगेंगी। आलू या पोटैटो या बटाटा 5 पीस हमने लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश सर्क्यूलर है, उसे बॉईल करके हमने अच्छी तरह से स्मैश करके रखे हैं। 2 फ्रेश टोमेटोज हमने लिए हैं, उसे भी अच्छी तरह से चॉप करके फाइन कटिंग करके रखा है। 2 प्याज लिए हैं, ऑनियंस, उसे भी हमने अच्छी तरह से चॉप करके कटिंग करके फाइन करके कटिंग करके रखा है। धनिया की पत्ती हमें लगती है, उसे भी हमने अच्छी तरह से चॉप किया है। लाल मिर्च चिली पाउडर 2 या 3 चम्मच स्वाद के अनुसार, हल्दी 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1 चम्मच, नमक या मीट अपने स्वाद के अनुसार, बटर और टोमेटो सॉस। अब हम आलू जो स्मैश करके लिया है उसमें अभी हम टोमेटोज डालेंगे जो हमने अच्छी तरह से चॉप करके रखा है। उसके साथ में हमने ओनियन भी चॉप किया है, वह भी उसमें ऐड करेंगे, और धनिया जो चॉप करके रखा है वो भी हम उसमें ऐड करेंगे। इसमें हम लाल चिल्ली पाउडर स्वाद के अनुसार डालेंगे, हल्दी 1/2 चम्मच ऐड करने वाले हैं, उसी के साथ में चाट मसाला 1 चम्मच डालेंगे, नमक स्वाद के अनुसार इसमें हम ऐड करेंगे। यह सब इंग्रेडिएंट्स, यह मिक्सचर जो है अच्छी तरह से चम्मच से हम अभी मिक्स करेंगे। यूनिवर्सल तरीके से यह मिक्सचर हमें बनाना होगा, नीचे से ऊपर तक अच्छी तरह से यह मिक्सचर बनाना है। देखिए इस तरह से हमने यह मिक्सचर अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल यूनिवर्सल। देखिए हमने अब ब्रेड एक डिश में लिया है, उसे सॉस जो है उसका हम एक लेयर चढ़ाएंगे। देखिए इस तरह से सॉस लगाएंगे, बिल्कुल यूनिवर्सल तरीके से सॉस का लेयर उसमें चढ़ाने वाले हैं। देखिए इस तरह से हमने सॉस उसको लगा लिया है। अब जो हमने मिश्रण बना के रखा है उसे अब इस ब्रेड के ऊपर हम ऐड करेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हम उसके ऊपर रख रहे हैं और उसका भी एक मोटा लेयर हम बना रहे हैं। देखिए इस तरह से उसको रखना है, जहाँ तक हो सके पूरा ब्रेड उससे ऑक्यूपाई होना चाहिए। इस तरह से ये उसकी लेयर जो है, उसकी सतह जो है हम बना रहे हैं, और इसके ऊपर हमें दूसरा ब्रेड जो है वो लगाना होगा, उसे भी हम अच्छी तरह से सॉस से पेस्टिंग करेंगे। देखिए इस तरह से करना है, और एक बाजू को हमने जो तवा है वो उसे अच्छी तरह से गर्म करने के लिए रख दिया है। देखिए किस तरह से उसे सॉस लगाया जा रहा है, बिल्कुल अच्छी तरह से लगाया गया है। और अब हम इसे जो ब्रेड हमने पहले लिया था उसके ऊपर हमने जो मसाला डाल के रखा है उसके ऊपर बिल्कुल इस तरह से रख देंगे। देखिए इस तरह से रख दिया है, तवा अच्छी तरह से गर्म हो चुका है, उसके ऊपर अब हम बटर डाल रहे हैं। देखिए बटर किस तरह से तुरंत जो है डिजॉल्व हो रहा है, पतला हो रहा है, और उसके ऊपर अब हम जो अपना ब्रेड का जो अपन सैंडविच बनाने जा रहे हैं उसको रख दिया है। अच्छी तरह से उसको हम
उसके ऊपर फ्राई करेंगे। और ब्रेड के ऊपर से, देखिए ब्रेड के ऊपर से भी हमने थोड़ा सा जो बटर है वो डाल दिया है। देखिए किस तरह से अपना ब्रेड सैंडविच अब पक रहा है। तवे के ऊपर हमने रख दिया था, देखिए अभी दूसरी बाजू हमने नीचे डाल दी है। दोनों तरफ से बिल्कुल अच्छी तरह से अपना सैंडविच बने, इसलिए दोनों तरफ से हमें अच्छी तरह से तवे पर उसको फ्राई करना होगा। देखिए इस तरह से अब अपना जो सैंडविच है गोल्डन ब्राउन कलर का बन गया है, यानी अच्छी तरह से वो फ्राई हो चुका है। इसी तरह से हम सभी सैंडविच बना के रखेंगे। ये सैंडविच गोल्डन ब्राउन कलर का बन चुका है और हमने इसे एक प्लेट में निकाल दिया है। इसे हम सैंडविच को कट कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से कट हो चुका है। जितने भी ब्रेड सैंडविच हमने बनाए हैं बिल्कुल इसी तरह से कट करने हैं। देखिए कैसा फिलिंग उसमें कर चुके हैं हम। बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्टी ब्रेड सैंडविच बनके तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। देखिए अभी हमने सभी जो कुछ अपना ब्रेड सैंडविच है उसे अच्छी तरह से हमने सर्व करने के लिए तैयार कर लिया है। देखिए आमतौर पर ये टमाटो सॉस या पुदीना की चटनी इसके साथ में खाया जाता है। काफ़ी अच्छी तरह से ये रेसिपी बन चुकी है, क्रिस्पी बन चुकी है। अभी तक आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ बाजू की जो बेल है, बेल का आइकॉन, उसे दबाना मत भूलिए।